हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जावन हैंड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी फाइल को जब आप अपलोड करते हो तो उस अपलोड फाइल से आप फाइल नेम, फाइल साइज और फाइल टाइप किस तरीके से गेट कर सकते हैं आइटम के अंदर और उसको स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे और एक्सेल एफएक्स से रिलेटेड, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप एक भी स्टेप्स मिस ना करें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आपका ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने आपको डेमो दिखा रखा है ऑलरेडी, कि जैसे कि मैंने एक फाइल अपलोड करी है, मैं आपको एक नई फाइल अपलोड करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं कोई एक फाइल अपलोड करता हूँ तो ये क्या कर देता है, मेरे को उसका फाइल नेम, फाइल साइज और फाइल टाइप मेरे को ये गेट कर देता है एक आइटम के अंदर। तो ये आप किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स के अंदर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करते हैं कि हम पेज पे जाते हैं, एडिट किया हमने पेज को। पेज पर आने के बाद आपको, अगर आपने पेज नहीं क्रिएट किया तो पेज आप क्रिएट कर लें। उसके बाद आपको एक रीजन बनाना है जिसमें हमने रीजन का नाम दिया गेट फाइल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चार आइटम्स बनाने हैं। फर्स्ट आइटम आपका क्या होगा, फाइल ब्राउज। तो आपको यहाँ पे टाइप का सिलेक्ट करना है फाइल ब्राउज का, और इसकी कोई भी सेटिंग्स को आपको चेंज नहीं करना, ठीक है, आपकी इसकी सेटिंग्स को कुछ भी चेंज नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फाइल नेम का आपको एक आइटम बनाना है, उसको आप डिस्प्ले ओनली कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप टेक्स्ट फील्ड भी कर सकते हो या जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइटम्स को उसका टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइल साइज एंड फाइल टाइप, ठीक है। तो ये हमने इसका इंटरफेस आपने डिजाइन कर लिया। जब चारों आपकी चीजें क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपको करना है रन। रन करने के बाद आप देखोगे कि आपका इंटरफेस प्रिपेयर हो गया, बट आपके कंडीशन आते हैं कि आप किस तरीके से आप उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको अंडरस्टैंडिंग कोड को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि जहां तक है आपको समझा सकूं कि इस कोड में आखिर किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस फाइल ब्राउज पे आपको राइट क्लिक करना है और डायनेमिक एक्शन क्रिएट करना है। जैसे कि हमने इस आइटम पे ऑलरेडी एक डायनेमिक एक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ यहाँ से, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ये हमारा डायनेमिक एक्शन हमने क्रिएट करा है। आप यहाँ पे इसके आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं जो भी आपको देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है व्हेन इवेंट, उसके बाद सिलेक्शन टाइप, आपको सिलेक्शन टाइप में क्या देना, आइटम। उसके बाद आपको आइटम किस आइटम पे आपको ये काम करना है, तो आपका होगा फाइल ब्राउज। उसके बाद आपको एक क्लाइंट साइड आप कंडीशन भी दे सकते हो, आइटम इज नॉट नल। तो जब भी आइटम आपका नॉट नल होगा वो आपको आपको करना है। उसके बाद एडवांस, एडवांस में आपका इवेंट स्कोप क्या होगा, डायनेमिक, आपको इस डायनेमिक इसका इवेंट स्कोप करना। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, इसके डायनेमिक एक्शन को क्रिएट करना है ट्रू एक्शन, क्रिएट और ट्रू एक्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक ट्रू एक्शन आपको क्रिएट होगा, और आपको यहाँ पे इसके एक्शन में करना है एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, आपको सिलेक्ट करना है एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आपको आना है इस कोड पे जो कि आपको राइट डाउन करना है पूरा के पूरा आपको अपने। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से, ये हमारा एक वेरिएबल है fp जिसके अंदर मैंने फाइल ब्राउज आइटम को पास करा। अब ये वेरिएबल के इस जो भी हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और हमने वेरिएबल लिया है जो क्या करेगा, ये जो हमारा वेरिएबल है fp उसके 0 file.length, अब ये क्या करेगा, ये हमारी लेंथ को ये गेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेगा, एक आइटम है जिसपे करेगा fp 0 files, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये एक लूप लगाता है, लूप लगाने पे क्या करेगा, lg जो हमने गेट लेंथ करा फाइल का उस पे ये ग्रेटर देन 0 की वैल्यू लगाता है। उसके बाद एक फोर लूप लगाया, फोर लूप पे हमने क्या गेट करा, हमने फाइल नेम, फाइल साइज और फाइल टाइप हमने किससे गेट करा, आइटम्स से, जो हमने आइटम्स यहाँ पे वेरिएबल के अंदर लिया था, आइटम्स डॉट आई नेम, गेट फाइल नेम, गेट साइज, गेट फाइल टाइप, और उसको हमने स्टोर करवा लिया अपने आइटम्स में। जो भी हमने तीन आइटम्स क्रिएट किए थे उसके अंदर हमने इन वैल्यूज को स्टोर करा लिया, किसके थ्रू, जो हमारे एपेक्स के जो जावास्क्रिप्ट के जो मेथड है उसके थ्रू, जिसके अंदर हमने वैल्यू सेट कराया एपेक्स डॉट आइटम, आइटम का नेम डॉट सेट, वैल्यू नल और ट्रू,
ठीक है। सो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस मेथड को आप सीख सकेंगे कि कहाँ से आपको ये कोड मिलेगा। और मैं इस कोड का लिंक अपने ब्लॉग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पे आप जाके इस कोड को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आप नोट डाउन करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, करने के बाद आपको उसके करने के बाद आपको ओके करना है। उसमें आपको इफेक्ट का आइटम आपको नल छोड़ना है, उसके बाद इसका फायर ऑन इनिशियलाइजेशन आपको नो कर रखना है, और आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रन करना है। रन करने के बाद आप जब जैसे ही रन कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई भी फाइल आपको चूज करनी है, और आपको देखना है आपको जो आपने जिस पर्पस के लिए इस डायनेमिक एक्शन को यूज किया था वो आपका फुलफिल होता है नहीं है। इटमीन्स अगर हम कोई फाइल लेते हैं और उससे हमारी प्रॉपर वैल्यू निकलती है नहीं निकलती, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं इस फाइल को अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद आप देखोगे कि जो मेरी फाइल है उससे मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, फाइल नेम, फाइल साइज और फाइल टाइप। सो ये है हम आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हों, और आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।